वेलकम बैक टू हेवनली बॉर्न। आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन सिकनेस के बारे में। गाइज, ये हमारी ट्रैवल सीरीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर ट्रैवल के टाइम पे किसी को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है तो मजा थोड़ा किरकिरा हो जाता है हमारा। तो इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि क्या चीजें आप हैंडी रखें, किसकी प्रेपरेशन कैसे पहले से करें कि आपको इस सिचुएशन को अवॉइड करने में हेल्प मिले। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी हम बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट और फोटोज अपलोड करते रहते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों को अच्छा लगेगा देख के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए गाइस, पहले ये जान लेते हैं कि मोशन सिकनेस आखिर होता क्या है। मोशन सिकनेस के बारे में तो हम सबने सुना ही है, बट क्या होता है आइए हम आपको बताते हैं। गाइस, अक्सर जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत से लोगों को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम में ये होता है कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, आप जब ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे कभी आपको रेस्टलेसनेस होने लगे, एब्डोमिनल पेन, पेट में अचानक से पिट्स थोड़ा थोड़ा रह रहे के दर्द होने लगे, आपको डिस्कम्फर्ट होने लगे या वॉमिटिंग वाली फीलिंग आने लगे कि अब हमें वॉमिटिंग हो जाएगी बट एक्चुअली होती नहीं है, या कभी कभी अचानक से बहुत ज्यादा हो जाए और आप उसको रोक ना पाओ, तो इन सबको हम मोशन सिकनेस कहते हैं। ये होती इसलिए है क्योंकि ट्रैवल के टाइम पे काफी लोगों की बॉडी उसको अडाप्ट नहीं कर पाती है और उससे उनको मोशन सिकनेस होती है। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जब आप माउंटेन ट्रैवलिंग कर रहे हो उस टाइम पे बहुत से लोगों को नॉर्मल ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बट माउंटेन ट्रैवलिंग में होती है। बहुत सारे लोग को ट्रैवल के नॉर्मल ट्रैवल में भी मोशन सिकनेस होने लगती है ट्रैवल के टाइम पे जब आप। आइए बात करते हैं कुछ रेमेडीज, कुछ प्रिकॉशंस जो अगर आप ध्यान में रखें अपनी ट्रिप के पहले से ही तो आपकी ट्रिप काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार हो सकती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों को कैसा खाना ले खिला करके आपको लेके चलना है ट्रैवल के टाइम पे। हमेशा एक स्नैकिंग मोड में बच्चों को रखिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो। बहुत ज्यादा हैवी खिला करके बच्चों को नहीं लेके जाना है या खाली पेट भी नहीं रखना। अगर बच्चे खाली पेट हैं तो भी बच्चों को काफी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हल्का कुछ स्नैक दीजिए तो वो काफी अच्छा रहेगा। साथ में गाइस, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक लॉन्ग रूट एक साथ कवर करने की कोशिश मत करिए, बीच में ब्रेक्स देते रहिए। आपको भी रिलैक्स्ड फील होगा, बच्चों को भी काफी रिलैक्सिंग रहेगा ये ब्रेक। उस ब्रेक में आप कुछ स्नैक्स कैरी करिए बच्चों को, वो दे दीजिए, वो काफी हेल्प करेगा क्योंकि आपने बच्चों को हैवी मील नहीं दिया है, इसलिए बीच बीच में कहीं रुक करके थोड़ा थोड़ा देना भी काफी इम्पोर्टेंट है। और आपको साथ में जब आप ब्रेक लेंगे फ्रेश एयर भी मिलती रहेगी। जब आप चल रहे हैं, कार ड्राइव पे है या आप बस में हो, तो भी बाहर से फ्रेश एयर लेना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर पे आप अपने कार के शीशे नीचे कर लीजिए, बाहर की फ्रेश एयर को भी एंजॉय करिए। साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपके एयर फ्रेशनर की हो, आपके डिओड्रेंट्स की हो, आपके परफ्यूम्स की हो ट्रैवल में, क्योंकि सब कुछ पैक्ड रहता है कार में तो वो काफी इरिटेटिंग हो सकता है। बहुत लोगों को उसी से काफी नॉजियस फीलिंग हो सकती है और उससे वॉमिटिंग भी हो सकती है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग स्मेल हमेशा अवॉइड करिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो। साथ में गाइस, कोशिश करें कि बच्चों को स्लीप मोड में लेके जाएं। आप ऐसे टाइम पे ट्रैवल करें जब बच्चा सो रहा हो, अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश करिए कि बच्चा सो जाए, क्योंकि तब बच्चों के लिए भी वो ट्रैवल इजी हो जाता है। अगर वो सो जाते हैं तो वो रिलैक्स्ड भी हो जाएंगे और साथ में उनके लिए वो ट्रैवल काफी इजी हो जाएगा और ये जो नॉजियस और ये सब फीलिंग्स होती है उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं इससे। उसके साथ बच्चों को बीच बीच में रिहाइड्रेट करते रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकेस बच्चों ने वॉमिटिंग कर दी है तब तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं भी तो भी बीच बीच में रिहाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। आप बच्चों को पानी, अलग अलग तरह के जूसेस और ये सब देते रहिएगा। बात करते हैं कुछ मेडिकेशन के बारे में जिनको अगर आप हैंडी रखें और उनका यूज करें तो आप अपनी ट्रैवल को काफी अच्छा बना सकते हैं और
आप ये मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कैटेगरी के बारे में जो होगी 0 to 1 ईयर की। जब बच्चे 0 to 1 ईयर के बीच में हैं तो उनको हमें 2 मेडिसिन देनी होगी और ये मेडिसिन हमें देनी होगी बच्चों को ट्रैवल करने से आधे घंटे पहले। जब आप अपना ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हो तो उसके आधे घंटे पहले आप बच्चों को ये मेडिसिन दे दें। सबसे पहले हमें देनी होगी एंटी वॉमिट की ड्रॉप्स, वो होगी सबसे अच्छा उसमें होता है वोमिकाइंड, आप वो दे सकते हैं बच्चों को। उसके बाद हमें देनी है एंटी हिस्टामिन, उसके लिए आप सेट्रिजिन दे दीजिए, वो सबसे अच्छी रहती है। साथ में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप में बच्चों के वेट और एज के हिसाब से अलग अलग उनकी डोज होती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप अपने बच्चों का एज और वेट स्पेसिफाई करके कॉमेंट्स में हमें बताइएगा, हम आपको उसमें हेल्प कर देंगे। उसके बाद जब बच्चे 1 ईयर प्लस के हो जाएंगे तब उनके लिए सिर्फ एक ही मेडिसिन होगी जो इन दोनों का काम कर देगी। ये एक एंटी मोशन सिकनेस मेडिसिन है, ये है पिनार्गन। आप 1 स्पून बच्चों को दे दीजिएगा सिर्फ 30 मिनट पहले, 30 मिनट्स बिफोर यू स्टार्ट टू ट्रैवल, तो ये हेल्प करेगा। और दोनों ही केसेस में, चाहे बच्चे 0 to 1 ईयर के बीच के हों या 1 ईयर अबव हो, आपको बच्चों को अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो एवरी 8 आवर्स आप ये रिपीट कर सकते हैं। बच्चों के साथ साथ आप अपना भी ध्यान जरूर रखिए। तो अपने भी ट्रैवल के पहले गाइस पे ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो है टैबलेट प्रोमेथाजीन ले लें, ये आपको भी हेल्प करेगा। आप भी आधे घंटे के पहले ये ले लें, आपकी भी मोशन सिकनेस को ये अवॉइड करेगा। एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको बिल्कुल हैंडी रखनी है, इसको आपको अच्छे से पैक करके पीछे नहीं रख देना है, अपने पास रखिए। कुछ डिस्पोजेबल बैग्स, वाइप्स, कुछ हैंड टॉवल्स, साथ में आप एक्स्ट्रा क्लोथ्स अपने प्लस अपने बेबी के एकदम हैंडी रखिए, क्योंकि इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा वॉमिट कर देता है तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी और आपको ये काफी हेल्प करेगा। सो गाइज, ये था मोशन सिकनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी। इन केस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, आपको इससे हेल्प मिली हो, तो इसको लाइक जरूर करिएगा। और कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज के बारे में कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, तो ये हेल्प लेने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है।